हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन्स ब्लॉग। सो गाइस, अभी मेरी बन रही है सुबह की चाय। तो देख सकते हैं गाइस, मेरी चाय बन चुकी है और चाय जब तक मेरी ठंडी हो रही थी तब तक मैं फटाफट से मैंने ब्रश किया। हाँ, आपने सही सुना, ठंडी हो रही थी, यानी कि मैं जो चाय है ना थोड़ा सा ठंडा करके पीती हूँ। बहुत ज़्यादा चाय गर्म मेरे से बिल्कुल भी पिया नहीं जाता है। सो गाइस, ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके मैं आ गई थी और मैंने किया अपने फेस को वॉश। हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। आवाज़ मेरी बैटरी होगी क्योंकि मुझे हो रखा है बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर वगैरह सब कुछ है, इसलिए वीडियो मतलब ब्लॉग्स मेरा नहीं आ पा रहा था। तो आज थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ तो सोचा चलो आज छोटी सी आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन्स ब्लॉग शेयर करूँगी। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा लेट सो के उठी हूँ क्योंकि क्या है ना कि मेडिसिन लिया था मैंने और उसमें थोड़ी सी मतलब सेट्राजीन वगैरह होती है ना, उससे नींद बहुत ज़्यादा आती है, सत्य आपको पता ही होगा। तो इसलिए ना मैं 9 बजे सो के उठी, मतलब सब लोग 9 बजे सो के उठे, तो अभी आधे घंटे हुए मुझे उठे। अब जा रहे हैं किचन में, तो चाय वगैरह तो मैंने हस्बैंड ने बना के रख दिया था, तो बस अभी पियेंगे इसे। उसके बाद खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरी सुबह की है गरम गरम से चाय, चलिए से पीते हैं, अपने मूड को पहले फ्रेश करते हैं फिर आपसे। सो गाइस, चाय वगैरह पीने के बाद से फिर मैंने लगाया फटाफट से आटा, क्योंकि अभी ना मुझे बस आज रोटियां ही बनानी थी, क्योंकि जो सब्जी थी ना मैंने एक्स्ट्रा ही बना के रख लिया था, तो बस हमें नाश्ता ही करना था। तो आजकल ना मैं सब्जी वगैरह ना रात में ही एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ना, ताकि मुझे सुबह में ना बनाना पड़े। आपको तो पता ही है कि छोटी बेबी के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, तो मेरे साथ भी होती है, आप सबके साथ भी होती होगी, तो इसलिए सब्जी वगैरह मैं रात में ही बना लेती हूँ एक्स्ट्रा और बस सुबह नाश्ता हम कर लेते हैं। और लंच की जो तैयारी होती है ना फिर उसको तो फिर हम 12 बजे के बाद ही जो भी लंच वगैरह बनता है ना उसे हम करते हैं। तो फटाफट से इधर मेरा आटा लग चुका था और फटाफट से बस मुझे ज़्यादा नहीं, कम से कम 7 से 8 ही रोटियां बनानी थी और जो किट्टू है ना उसके लिए मुझे परांठे बनाने थे, तो फटाफट से बस इसी में लगी पड़ी थी। तो फिर आज ना मैं थोड़ा सा ना लेट ही सो के उठी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी और मैंने मेडिसिन वगैरह ली थी ना उसकी वजह से मुझे नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी और इधर कृष्णा बेबी भी रोने लगी, तो फटाफट से मैंने उसे दूध दिया। तो हस्बैंड उसे हैंडल कर रहे थे, बस वो हैंडल कर रहे थे इसलिए मैं फटाफट से अपना काम निपटा रही थी, वरना तो फिर अगर जिस दिन वो ऑफिस चले जाते हैं ना उस दिन मेरी बैंड बज जाती है, मतलब उसे लेकर ही सारा काम मुझे धीरे धीरे करना पड़ता है। कितना भी सुबह उठ जाऊँ फिर भी साथ में ही बच्चे उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब करती है। जो किट्टू है वो तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, वो तो उतना नहीं है, लेकिन अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब अभी 3 महीने की है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो इधर रोटियां वगैरह बनाने के बाद ना चाय वाले बर्तन थे और कुछ गिलास वगैरह थे, तो फटाफट से मैंने उसे भी साइड कर दिया धो के, क्योंकि हस्बैंड को भी ना मतलब 12 बजे तक ऑफिस जाना होता है, तो बस इसलिए फटाफट से मैं सोच रही थी उनके रहते रहते सारा काम निपटा देते हैं, अगर वो चले जाएंगे फिर तो हो नहीं पाएगा। तो इधर मैं लंच की तैयारी कर रही थी, अभी मैं आज लंच में बनाऊंगी दाल और चावल सिंपल सा, क्योंकि हस्बैंड को तो खाना नहीं होता है, वो तो चले जाएंगे, बोल लेते कि मैं लंच करके नहीं जाऊँगा, वैसे वो करके जाते ही नहीं, बस नाश्ता ही कर लेते हैं। और तो फट मेरा दाल इधर बन रहा था और इधर ना मैंने बहुत 4 दिनों से ना घी निकालने के लिए रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कब ही निकालूं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही किट्टू का बर्थडे बीता था तो नहीं हो पा रहा था, बस घी निकाला मैंने। और ये है शाम का टाइम, और अभी शाम का टाइम हो रहा है और क्या हो रहा है कि सारा काम करने के बाद ना घर का जितना काम था निपटाने के बाद हम सो गए थे। तो कहीं ना सारा काम निपटाने के बाद ना मैंने तुरंत से लंच किया, क्योंकि नाश्ता तो मैंने किया नहीं था, क्योंकि अब 12-1 बजे क्या ही नाश्ता करना, सीधे लंच किया। लंच करने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई ना, मैं गहरी नींद, क्योंकि आपको पता कि मेडिसिन ले रही हूँ तो मेडिसिन से तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और आज का मौसम भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश आ रही, देख सकते हैं ना कि बहुत पूरा, अभी 3:30 बजे का टाइम है और देख सकते बाहर का व्यू दिखा रहे, पूरा जितना भी रोड है देख सकते हैं ना पूरा गीला गीला है, और इधर सामने को बिल्डिंग बन रही है और इधर
किट्टू भैया जी कर रहे हैं पढ़ाई, रो रो के पढ़ाई हो रही है इनकी, देख सकते हैं ना कि जी इनकी पढ़ाई है ना, वो रो रो के पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं करना चाहते, बस फ़ोन चलाना है। और इधर पिस्टा बेबी अपनी मस्ती करने वाली है, देख सकते हैं अभी इनकी चल रही है मस्ती 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 मस्ती। क्रिशु इधर देखो, इधर क्रिशु पढ़ाई करो आप, क्रिशु अभी देखने पा रही है अच्छे से, क्रिशु भाई, ओ भाई क्रिशु, ओ भाई क्या हो रहा, पढ़ाई करो, मुझे छोड़ दो। ये देखिए नंगू पंगू को देख लो एक बार, नंगू पंगू को तो इनकी हो रही है अभी मस्ती सस्ती, क्योंकि अभी बस जैसे ही एक घंटे, ओह इसके साथ मुझे भी झुकना पड़ रहा है, तो अभी ना ये बस एक घंटे मेरे को देख रही है, ये कैसे देख रही है, कैसे देख रही है मुझे, कैसे देख रही है, गिच्ची देगा क्या, पढ़ाई करो आप जल्दी जल्दी, ये वाला ये बड़ा हो गया, इसको पहले इसको चलो इसको छोड़ दो आप, ये वाला इसको पहले जीरो बनाओ फिर वन बनाओ। तो कह रहे इसको बिल्कुल भी ना पढ़ने का नाम नहीं लेना, इसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। अभी जब मैं सो रही थी ना एक घंटा इसने फ़ोन देखा। सो गाइस अभी शाम का टाइम है, मैंने आपको बताया, और मैं अभी कट कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी, यानी कि जो दोपहर का जो लंच था ना, मैंने दाल चावल ही बनाया था सादा सा, क्योंकि हस्बैंड सुबह में ही चले गए नाश्ता वगैरह करके, तो फिर अभी मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी। और इतना जल्दी आप सोच रहे हो कि 3:30 बजे सब्जी कौन ही कट करता है शाम के लिए, तो मैं करती हूँ, क्योंकि जो कृष्णा है ना अभी जैसे खेल रही है, उसके बाद ये सो जाएगी, और जस्ट ये 6 बजे उठ जाएगी, 6 बजे के से लेकर और 10 बजे तक ये बिल्कुल भी सोने वाली नहीं है, तो इससे पहले मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह कट करके रख लेती हूँ। और चावल रहेगा तो बस वो तो 2 मिनट लगता है बनने में, फटाक से बन जाती है, इसलिए ना मैं अगर मुझे शाम को सब्जी बनाना होता है ना, तो फिर मैं पहले से ही जैसे वो खेलती है देखती हूँ ना, उसके मौके का फ़ायदा उठा के जल्दी जल्दी भागती हूँ और अपना काम निपटाती हूँ। तो शाम को ज़्यादा मतलब कुछ बनाने नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सुबह में ही बहुत ज़्यादा जो भी होता बना लेती हूँ, कि भाई अकेली हूँ, फिर शाम को इतना मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ। तो यही मैं सोच रही हूँ कि जब पिछला जो अभी फ्राइडे बीता है ना, उसमें हम इतने बिजी थे कि मतलब टाइम नहीं मिला था 1 मिनट का भी, और अभी देखिए आज फ्राइडे है, सुना सुना सा लग रहा है, सब लोग आए थे, बहुत इंजॉय किया, अच्छा लगा सब कुछ बहुत, लेकिन क्या ना मेरी एसी ख़राब हो गई थी जैसे मैंने आपको बताया, और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी ना कि सब लोग गर्मी से परेशान हो गए थे बहुत। तो आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बारिश बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज ये थी मेरी छोटी सी मॉर्निंग रूटीन्स ब्लॉग, कैसा लगा आप सबको, अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अभी मैं जा रही हूँ ट्रैपोर्ट लेने के लिए, शाम को निकलूंगी, क्योंकि ना बिना ट्रैपोर्ट का जो मेरा वीडियो है ना इधर उधर रखना पड़ रहा है और सूट नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो एक ट्रैपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे। वैसे तो मैंने एक ट्रैपोर्ट ले रखा था तो टूट गया, दूसरा लेकर आऊँगी और फिर दिखाऊँगी आपको। तो चलिए इस ब्लॉग को फिर यही पेंट करते हैं, मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।